काइन मास्टर यहाँ पे खोलेंगे, उसके बाद यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, उसके 1:1 पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम वीडियो डर में से कोई वीडियो उठा लेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो हम उठा लेते हैं, इतना बड़ा तो वीडियो जाएगा नहीं तो, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे हमको अगर ट्रिम करना, ट्रिम मतलब क्या, वीडियो को जो है काटना है, तो उसके लिए इधर हम घुमाते, इधर हमको बायां काटना है। बायां काटने के लिए क्या करेंगे, ये जो पट्टी है नीचे इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है ये कैंची पे क्लिक करेंगे, और उसके ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो बायां कट गया, थोड़ा सा और बाकी है, तो चलो यहाँ से काट लेते हैं, फिर से ट्रिम लेफ्ट। ठीक है, अब हमको इस वीडियो को 1 ही मिनट रखना है या 30 सेकेंड रखना है। यहाँ पे हम इस पर फिर से क्लिक किया पट्टी पे, उसके बाद इस कैंची पे क्लिक करेंगे, उसके बाद राइट कर देंगे, ये कट गया। उसके बाद अब हमको सबसे पहले सोनी को मिटाना है जो लोगो है, तो हमको सिर्फ बायां साइड खींच लेना है क्योंकि शुरुआत इधर से होता है। लेयर पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, बेसिक इफेक्ट और गॉसियन ब्लर, ये हो गया। अब यहाँ पे ये जो गॉसियन ब्लर वाला पट्टी है नीचे ब्लू रंग का, इस पे हमको क्लिक करना है, तब ऊपर जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है चरखूट में, उसको खींचना है, खींच के छोटा करना है चरखूट ऐसे, और उसके बाद इस पे सोनी वाला जो लोगो है इस पे हमको चढ़ा देना है। उसके बाद सेटिंग्स पे क्लिक करना है जो बायां साइड स्क्रीन पे दिख रहा है, और इसके ब्लर स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, ऐसे बढ़ गया, फिर ऊपर टिक वाले निशान पे क्लिक करना है, ये हट गया। अब फिर से गॉसियन ब्लर पे क्लिक करना है, अब इसको हमको दाहिना ले जाना है फुल वीडियो, तो ऐसे ऐसे हम ले जाते हैं दाहिना, ये हो गया। उसके बाद ये मिट गया, अब लेयर पे फिर से क्लिक करेंगे, हमको लिखना है इस वीडियो पे। ठीक है, तो जैसे कि हम लिख देते हैं मूवी सॉन्ग, MOVIE मूवी सॉन्ग। ठीक है, तो ये जो है ना, हमको इसको थोड़ा सा बड़ा करना है ऐसे, इस पर डबल ए पे क्लिक करना है, बोल्ड रोबोटिक ब्लैक पे क्लिक करना है बोल्ड करने के लिए, और ये बोल्ड हो गया, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे टिक, ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे लेयर पे फिर से क्लिक किए, फिर से टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे लिख देते हैं एग्जांपल के लिए हिंदी सॉन्ग सॉन्ग। ठीक है, अब इस पर ओके पे क्लिक किए, इसको बड़ा करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है इसको हम बोल्ड कर देंगे। हम चाहते हैं कि नीचे जो काला पट्टी है इसका रंग चेंज करने का, रंग कैसे चेंज होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा कि हमको यहाँ पे नीचे ले जाना टेक्स्ट, यहाँ पे जो है बैकग्राउंड। ठीक है, अब इसको हमको इनेबल करना है, तो यहाँ पे जो ये नीचे आ रहा है सर फुल विड्थ बैकग्राउंड, इस पर क्लिक कर देना है, और इसका जो कलर है यहाँ से इस पर क्लिक करके हम चलो गुलाबी कर देते हैं, और इसको नीचे वाला को बढ़ा देते हैं स्ट्रेंथ, तो ये देखो नीचे जो है पूरा गुलाबी हो गया, और यहाँ से हम फिर थोड़ा नीचे कर देते हैं, ये हो गया, ये गुलाबी रंग का हो गया। तो हम रंग चेंज करने के लिए जो है दूसरा तरीका बताए, ऐसे डायरेक्ट रंग चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब इसको हमको लास्ट तक ले जाना है पट्टी को, तो फिर से यहाँ पे जो है पीला वाला पट्टी पे क्लिक करेंगे, और इसको हम ऐसे लास्ट ले जाएंगे, ले गए। फिर ये मूवी सॉन्ग है, इसको भी हमको लास्ट ले जाना है, अगर हम बीच में छोड़ देंगे तो ये उतना ही तक आ जाएगा, ले गए। अब बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हो गया। अब हमको वीडियो को रेंडर करना है जो हमारे फाइल में आ जाए, तो ऊपर जो है यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर ऊपर, इस पर हमको क्लिक करना है, और यहाँ पे जो है हमको HD पे ले जाना है रिजोल्यूशन 720 पे, फ्रेम रेट उतना ही रखना है, बिट रेट लो है 4.48 MPS, तो इसको हमको फुल करना है हाई, और फिर एक्सपोर्ट कर देना है। अब वीडियो एक्सपोर्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये छोटा साइज़ का 30 सेकेंड का है, तो वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है, बस इतना ही करना है और हमारा वीडियो बन जाएगा।